अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा ये श्लोक कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। स्टार्टिंग में बीट आ रही है, म्यूजिक आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, नमस्कार मुद्रा में हाथ हमारे ऊपर रहेंगे और हम राइट पैर पीछे मारेंगे एक बार और फिर सामने आ जाएगा, फिर लेफ्ट पैर पीछे मारेंगे और फिर सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टेप हमें केवल 2 times करना है। बताती हूँ फिर से आपको, 1 2 बस। इसके बाद श्लोक हमारा शुरू हो जाता है वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड के लिए ये हमने मुद्रा बनाई है हाथों में, हम सांस्य मुद्रा है राइट हैंड में और ये हमने हमारे राइट साइड रखी हुई है और लेफ्ट हैंड में हमने मुकुल मुद्रा बनाई हुई है। इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से ये नीचे की ओर जाएगा और फिर ये यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। फिर से बताती हूँ, वक्र तुंड, ये स्टेप केवल वक्र तुंड के लिए है। महाकाय, महाकाय, ओके। राइट पैर आपको पीछे करना है और दोनों हाथों से पदार्थ मुद्रा के साथ नीचे से हाथ हमारे ऊपर की ओर जाएंगे। इसको हमें थोड़ा सा ब्रॉडली करना है। महाकाय मीन्स बड़ा, जिनका शरीर है, ओके। दोनों लाइन को हम जोड़ के करते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। सेम मुद्रा हंसास्य राइट हैंड साइड, सूर्य कोटि समप्रभ। एक कदम आगे बढ़ के पदार्थ मुद्रा के साथ उसे कंप्लीट करना है। दोनों लाइन जोड़ते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। नेक्स्ट लाइन, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पदार्थ मुद्रा के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। निर्विघ्नं कुरु मे देव,
ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दोनों हाथ। ओके, एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे राइट कदम और लेफ्ट को उसी जगह रख देंगे। निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। आपको राइट साइड एक अपना राउंड लेना है, सर्व कार्येषु सर्वदा। यहां हमें थोड़ा सा बेंड होना है राइट पैर पे, पूरा बॉडी वेट हमारा आगे वाले पैर पर है और हमें दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा करनी है। फिर से मैं आपको बताती हूं, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस गाने में यही श्लोक है और इस श्लोक को हमें 3 times डिफरेंट टाइप से करना है। तीनों बार हम इसको अलग अलग प्रकार से करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया, अब सेकंड आता है वक्र तुंड महाकाय। श्लोक यही है, इसको हमें डिफरेंट स्टेप के साथ करना है। अब सेकंड टाइम के लिए हम दोनों हाथों में हम सांस्य मुद्रा है, हाफ सिटिंग में हम पैर को क्रॉस करेंगे, ये हम पैर आगे की ओर क्रॉस कर रहे हैं और ये हम बैठ जाएंगे। वक्र तुंड ओके, महाकाय महाकाय, एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम। अब निर्विघ्नम के लिए हमें दोनों हाथ यूज करना है, ऊपर जाके ये क्रॉस हो रहे हैं, निर्विघ्नम ठीक है, निर्विघ्नम कुरु मे देव, फिर सर्व कार्येषु में सेम है सर्वदा ठीक। सेकंड वाला फिर से बताती हूं, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव, सामने कुरु मे देव अंग में हम दोनों हाथ ऊपर की ओर जा रहे हैं और सामने हम देख रहे हैं, कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये हो गया सेकंड। अब आ गया है हमारा थर्ड, श्लोक सेम है वक्र तुंड महाकाय। अब हमें लेफ्ट हैंड को अपने मुंह के पास रखना है एंड राइट हैंड हमारा सामने है, ये हम पताक मुद्रा के साथ हैं। वक्र तुंड इसको हम या तो हम आगे क्रॉस कर लें या हम इसको पूरा फुल पोज के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और दूसरा हम इसे हम हाफ सिटिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो वक्र तुंड महाकाय, लेफ्ट हमारा मुंह के पास है, राइट हमारा सामने है, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समं प्रभ, ये सेम है निर्विघ्नम। निर्विघ्नम में हमें हमने क्या किया है, निर्विघ्नम निर्विघ्नम में हम ये ले रहे हैं, निर्विघ्नम कुरु मे देव और सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्व कार्येषु सर्वदा ओके। तादात्म्य स्टेप के साथ हमें को इसको एक ही बार करना है, मतलब राइट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर से तीसरा वाला श्लोक आपको फिर बताती हूँ, वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे
दा। फिर एक छोटा सा म्यूजिक पीस आएगा, उसमें हमें अड़ब लेना है, दोनों हाथों में त्रिपिटक मुद्रा रहेगी, नटराज पोजीशन में हम आ जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ही बार करना है, एक ही साइड हमें इसको करना है, राइट साइड से। राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तयुम त त तयुम ता तयुम त त तयुम ता ह। यह आपका फर्स्ट हो गया। अब इसको हम फिर से विथ म्यूजिक करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारी ये क्लास पूरी होती है। आपको जब भी मौका मिले आप इस वीडियो को देखिएगा और उसे सीखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साइन आउट।